स्टूडेंट्स, हाफ चैप्टर मैंने चला दिया है, थोड़े बहुत ही पॉइंट बाकी है। सो बिफोर दैट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू सम ऑफ द एक्सरसाइजेस विच आर सो इजी। सो लेट्स बिगिन एक्सरसाइज नंबर वन, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल पर्सनल प्रोनाउन। अब यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन से फिल इन द ब्लैंक्स बर्निंग है। लेट्स स्टार्ट। संजीव वेंट टू स्कूल बट ही वॉज लेट एंड द टीचर वॉज एंग्री ऑन हिम। ठीक है, यहाँ पे देखिए ही एज अ सब्जेक्ट और यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, तो ये पर्सनल प्रोनाउन ही, ठीक है, थर्ड पर्सन में है, यानी सामने वाले का पर्सनल प्रोनाउन बता रहा है। नाउ सी, आई एम फीलिंग थर्स्टी, प्लीज़ गिव मी समथिंग कोल्ड टू ड्रिंक। आई एज अ सब्जेक्ट, मी एज अ ऑब्जेक्ट। रुचिरा सर्व्ड हर गेस्ट कॉफ़ी एंड केक, दे लाइक द केक एंड एट इट अप। यहाँ पे इट देखिए, इट और यू मैंने बताया था ना, एज ए सब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट के भी यूज होता है। नाउ सी फोर्थ नंबर, व्हेन जॉय वॉज वॉकिंग इन द गार्डन ही सो अ मैन वॉकिंग टुवर्ड्स हिम। जिम एंड हिज क्लासमेट्स वेंट टू सी फॉर शो बट दे हैड टू रिटर्न, दे डिड नॉट गेट द टिकट्स। उन्होंने टिकट्स नहीं ली। ठीक है, नाउ सी द सिक्स नंबर, द टीचर आस्क्ड हिज स्टूडेंट्स टू लिसन टू हिम केयरफुली इन द क्लास। अभी टीचर जो है, यहाँ पे कॉमन जेंडर है, यहाँ पे नहीं बताया है किसी का जेंडर के फीमेल है के मेल है, तो हमने एज ए मेल डाल दिया, आप फीमेल भी डाल सकते हो। तो द टीचर आस्क्ड हिज स्टूडेंट्स टू लिसन टू हिम। ठीक है, अगर यहाँ पे शी डाल रहे हो ना, लिसन टू हिज स्टूडेंट, तो यहाँ पे हर स्टूडेंट्स आएगा और यहाँ पे हर आएगा, अगर हम शी डाल रहे हो तो। अगर आप ही डाल रहे हो तो हिज एंड हिम आएगा। नाउ सी द ऑरेंजेस लुक्ड स्वीट बट द मोना टेस्टेड देम। बट जब मोना ने टेस्ट किए, शी फाउंड सम सोड, उसने थोड़े बहुत सोड पाए। द पैसेंजर वेटेड फॉर द बस बट इट डिड नॉट कम, सो दे डिसाइडेड बैक होम। नाउ सी सेकंड वन, एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल पर्सनल प्रोनाउन। माय फादर इज नॉट एट होम, वेयर हैज ही गॉन। यहाँ पे सूटेबल पर्सनल प्रोनाउन से हमको फिल इन द ब्लैंक्स बर्निंग है, ठीक है, जो सूट करता हो। तो देखिए, माय फादर इज़ नॉट होम, मेरे पापा घर पे नहीं है, तो वेयर हैज ही गॉन, तो ही आएगा। ठीक है, बिकॉज हम फादर बोल रहे हैं, मदर नहीं बोल रहे। नाउ सी, आई होप मनोज विल डू वेल इन एग्जाम्स। यहाँ पे एक्स दिया है ना, यानी कुछ नहीं आएगा इसमें, ठीक है, ऐसे ही छोड़ दो इसको। आई होप मनोज विल डू वेल इन एग्जाम्स, दोज आर वर्किंग वेरी हार्ड। मनीषा एंड मोहित आर माई क्लासमेट्स, आई नो दे आर वेरी गुड इन स्टडीज। मिसिस सेन गुप्ता इज फिजिक्स टीचर। यहाँ पे एक्स क्यों डाला है, क्योंकि यहाँ पे किसी की नीड ही नहीं है, ठीक है, ये खुद ही में कंप्लीट सेंटेंस है। मिसिस सेन गुप्ता इज फिजिक्स टीचर एंड शी टीचिस अस वेल, वी रिस्पेक्ट हर वेरी मच। नाउ सी अबो एक्सरसाइजेस, प्लीज़ डोंट गिव हिम अ कार्ड, ही ऑलरेडी हैव इट एट माई प्लेस। ऑल ऑफ अस वेयर प्रेजेंट फॉर द असेंबली, दे आर वर्किंग इन द हॉल, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब देम। अभी यहाँ पे दे एज अ सब्जेक्ट एंड देम एज अ ऑब्जेक्ट, या मैंने आपको आगे जब नोट समझाया था, ठीक है, तब समझा मैंने आपको, एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ सी, आई कैन नॉट फाइंड माई शूज, हैज एनीवन हैज सीन देम। यहाँ पे देम आएगा, ठीक है, यानी मेरे जूतों को किसी ने देखा है। माय अंकल हैज इनवाइटेड अस फॉर डिनर, अस आएगा, ठीक है, क्योंकि माय अंकल हैज इनवाइटेड मी। यहाँ पे मी भी आ सकता है, अस भी आ सकता है, मैंने अस डाला है प्लूरल में। कैन यू कैरी दिस बुक्स और डू यू वॉन्ट मी टू हेल्प यू, क्या तुम मुझे ये कैरी बॉक्स ले दोगे, कि आप चाहते हो कि मैं आपकी मदद करूं, डू यू वॉन्ट मी टू हेल्प यू। नाउ सी थर्ड वन, एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स विद इधर ई और मी। अभी आई या तो मी से
ये एक्सरसाइज फील कर ली है। नाउ लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। आई शेल गिव यू माई न्यू एड्रेस। तो यहाँ पे मी नहीं आएगा, मी जो है बिकॉज क्योंकि वो हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह आता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की जगह आता है और रेयर केस में ही लेट, जब लेट हम वर्ब आगे यूज़ कर देते हैं ना इसके बाद मी आता है, बाकी हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह ही आता है तो, और आई जो है सब्जेक्ट की जगह। नाउ सी, यू एंड आई विल गो फॉर मैजिक शो टुमारो। प्लीज़ गिव मी सम मिल्क टू मेक टी। मे आई कम इन? हैज़ काजल ब्रॉट एनीथिंग फॉर मी? लेट मी, मैंने बताया था ना लेट करके वर्ब आएगा इसके बाद मी यूज़ होता है। लेट मी सॉल्व दिस पजल, मुझे ये पजल सॉल्व करने दो, ठीक है। ही एंड आई आर इंडियंस। मदर हैज़ गिवन ब्रेकफास्ट फॉर यू एंड मी। रागिनी एंड आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक डेली टू द पार्क। शो मी योर टेस्ट कॉपी। अभी यहाँ पे आई और मी से तो डाल दिया, बाकी यहाँ पे लेट जो वर्ब है, ठीक है, लेट और अलाउ, आपको लगता होगा अलाउ एंड लेट दोनों सिमिलर है, ठीक है, मीनिंग तो सिमिलर होती है लेकिन लेट जो है वह ना वो मतलब मुझे करने दो, ठीक है, उसमें कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि हम अलाउ यूज़ करते हैं परमिशन लेने के लिए, ठीक है। सो इसमें यही डिफरेंस है दोनों के बीच। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस एज वेल एज। सो टिल देन, बाय बाय।